गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ. टुडे आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन योर एक्सरसाइज एंड चैप्टर फर्स्ट. आपने जो प्रीवियस क्लास में चैप्टर फर्स्ट में जो पोएम पढ़ा था ना, उसी का आज एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है और उसमें कुछ ऑप्शंस दिया है, तो ऑप्शंस जो सही है उसको आपको टिक करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, अ पेपर काइट वाज डांसिंग अपन द. पेपर काइट कहाँ डांसिंग कर रहा था? विंड ब्रिज या स्ट्रॉम? ब्रिज के ऊपर. तो आप यहाँ पे ब्रिज लिखोगे, मतलब सेकेंड ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द काइट लुक्स डाउन टू अर्थ एंड सीज. कौन सी होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी? यस, बटरफ्लाई. तो ऑप्शन बी. तो आप यहाँ पे टिक भी करोगे और यहाँ पे भी लिखोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री. हाउ वुड यू लाइक टू बी? कौन सा होगा? ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? यस, ऑप्शन ए, डांसिंग. तो हाउ वुड यू लाइक टू बी डांसिंग अबव द वर्ल्ड? तो यहाँ पे आप ऑप्शन में टिक करोगे और यहाँ पे आप लिखोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट फिलअप्स क्या है? द डैश वॉज द टॉय ऑफ अ स्टूपिड बॉय. विच वन करेक्ट? बटरफ्लाई, बर्ड या काइट? क्या होगा? काइट. तो यहाँ पे आप काइट लिखोगे. द काइट वॉज द टॉय ऑफ अ स्टूपिड बॉय. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज बी. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिविन वर्ड्स. देखो, आपको यहाँ पे कुछ हेल्प बॉक्स है. हेल्प बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिया गया है. यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स है, इसी से हेल्प से आपको ये फिलअप्स करना है. जैसा टॉलर देन द और ट्रीज, यहाँ पे देखो क्या होगा? हिल्स. तो आप यहाँ पे हिल्स लिखोगे, हिल्स और ट्रीज. ओके, नाउ नेक्स्ट. अ बटरफ्लाई इन द डैश स्टिल शोरिंग डैश. तो आप बटरफ्लाई कैसे? ये होगा आपका, पहला होगा फ्लाइट, दूसरी होगा हॉटीली. तो यहाँ पे आप फ्लाइट लिखोगे और नेक्स्ट डैश में आप हॉटीली लिखोगे. थर्ड फिलअप्स क्या है? टेक अ डैश लुक एट मी. अब देखो इसमें से कौन सा होगा? तो ये होगा गुड. तो इसमें आप लिखोगे गुड. टेक अ गुड लुक एट मी. ओके, नाउ नेक्स्ट. नॉट ऑन योर टर्म्स रिप्लाइड द डैश. कौन इसमें से कौन होगा? ये बटरफ्लाई. तो आप यहाँ पे बटरफ्लाई लिखोगे. ये जो भी करोगे ना, इसी बुक के अंदर आपको टिक लगाना है. नाउ नेक्स्ट. नेक्स्ट में क्या है? कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम. ये कुछ इनकम्प्लीट लाइन्स है पोएम की, आपको ये लाइन्स को कंप्लीट करना है पोएम्स को देख के. आप पेपर काइट, आप पोएम्स में देखो क्या है पेपर काइट. पेपर काइट क्या है? पेपर काइट में देखो, आप पेपर काइट वॉज डांसिंग अपन द ब्रिज. तो आप यहां पे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? आप पेपर काइट वॉज डांसिंग उसके बाद क्या है? अपन द ब्रिज. आप यहाँ पे लिखोगे अपन द ब्रिज. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट. नेक्स्ट लाइन में क्या है? लुक्स डाउन टू, कहाँ है? लुक्स डाउन टू अर्थ एंड सीज. टू अर्थ एंड सीज. फिर क्या है? जिग जैगिंग टू एंड फ्रो. जिग जैगिंग, जिग जिग जैगिंग टू एंड फ्रो. ये है ना लिखा हुआ, देखो जिग जैगिंग टू एंड फ्रो. ये जेतु टू एंड फ्रो लिखा हुआ है. नेक्स्ट लाइन में क्या है? नेक्स्ट लाइन में है फार फार बिलो. यहाँ पे भी आप लिखोगे
far far below, far far below, and last one a butterfly in flight, a butterfly in फ्लाइट हो गया। तो आपका ये जो फिलअप्स है, पीछे वाला पोएम्स आप देखोगे, देख के इसको फिलअप करना है। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर सी इसी नोट इसी बुक्स के अंदर आपको टिक लगाना है और फिलअप्स करना है। ओके, थैंक यू।